मैं समझता हूं कि जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे दिल का दर्द, जो सिंधी समुदाय के दिल का दर्द, वो सुनने के लिए रखा गया है कि हमारा सिंधी समुदाय जिस जगह, यह अखंड भारत, वैसे अखंड भारत तो बहुत बड़ा था, पता नहीं कितनी बार इसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, लेकिन 1947 में जिस समय यह देश आजाद हुआ, निश्चित रूप से उस समय पूरे देश में सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन जिस समय कुछ नेताओं की अपनी लालच के वजह से इस देश के टुकड़े किए गए और हमारा एक सिंध प्रांत हमारे से छीन करके, पंजाब का आधा प्रांत छीन करके, बंगाल का आधा प्रांत छीन करके, जो इसके टुकड़े किए गए, इस भारत माता के टुकड़े किए गए, उसका दर्द जो हम सिंधी समुदाय ने, पंजाबियों ने जो सहा, वो मैं कहता हूं कि वैसे मेरा सिंध का ही जन्म है, लेकिन जो हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी जो बताया करते थे, जो हमारे दादाजी वहां के खाकर थे, हमारी कई बीघा जमीन थी वहां पर, वह उस समय छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ जो ये मुसलमान लोग थे, वो हमारे यहाँ कार्य करते थे और उन्होंने अंत में ये कहा, पहले तो कहा गौरव हम सभा साथ में है, लेकिन जब इतनी त्रासदियां होने लग गई, इतने मारकाट होने लग गई, तब उन्होंने भी कह दिया आप यहां से निकलो। और फिर उस समय किस प्रकार से अपने सब वहां पर जमीन जायदाद, अपने धंधे, अपने हवेलियां सब छोड़ करके कैसे वहां से निकलते हैं, मैं कहता हूं अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक घर से, छोटे से झोपड़ी से निकाले जाए, तो उसके मन में क्या दर्द होता है। हमारे बुजुर्गों को उस समय कैसा दर्द हुआ होगा कि जिस समय वो छोड़ करके और यहां पर आए, छोड़ करके तो आए, अपना हिंदुत्व बचाने के लिए आए, अगर वहां पर रह जाते, जितने रहे या तो मुसलमान या तो कट के पूरे हो गए, लेकिन वहां पर अपना हिंदुत्व बचाने के लिए हमारा सिंधी समुदाय इस भारत में जो हमारा विभाजन हुआ उसमें यहां पर हम आए, लेकिन किस परिस्थितियों में आए, जो आज का ये दिवस रखा जा रहा है कि हमारे साथ उस समय क्या हमारी त्रासदियां हुई थी, हमारे ऊपर ऐसे मारा काटा गया था, हमारी बहनों को उनके साथ में किस प्रकार से बलात्कार हुए थे, वह स्मृति दिखाने के लिए यहां पर ये जुट जाते हैं। बाकी आज इस दिन को सोच करके मन में इतनी पीड़ा हो रही है, जिस समय हमारे दादाजी, हमारे पिताजी हमको अपने संस्मरण में बताते थे कि किस प्रकार के अपने आप को, अपने परिवार को बचाते 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 यहां तक पहुंचे और यहां पर आकर के फिर क्या हो गया, कुछ हाथ में नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि उस मालिक की कृपा हमारे ऊपर है, उस लाल साहब की कृपा है कि सिंधी समुदाय ने कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाया, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपना ठेला चला करके, जिसके हवेलियां थी वो यहां पर आकर के उनके बच्चे ठेले में, हाथ खूंटे में नान के पाइया बिस्कुट रख करके लेकर के बेचा, ट्रेनों में ये जो ट्रेन चलती है उनमें उन्होंने बेचा। और मैं तो कहता हूं बाकी उस समय जैसे अगर यह कड़ियां नहीं होती तो हमारा शायद सिंधी समुदाय या पंजाबी समुदाय इस भारत में नहीं पहुंच सकता था, या तो कट जाता और या तो मुसलमान बन जाता, लेकिन इन रेलवे वालों ने हमारे जो मदद कर करके हमारे समुदाय को यहां पर पहुंचाया, जितने भी पहुंचे, मैं तो कहता हूं हमारे तो कई लोग बताते हैं कि रेलवे वहां पर पूरी कट 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 कर यहां पर आती थी, पूरे लाश यहां पर उतारने पड़ते थे, लेकिन फिर भी जो कोई समुदाय बचा तो इस रेलवे के कारण ही बचा। लेकिन यहां पर आकर के फिर कैसे हमारे बड़ों ने या हमारे बच्चों ने अपने मेहनत से किसी के साथ में हाथ नहीं फैलाया, अपनी मजदूरी करी, ठेले चलाए, खोजे लिए, छोटी मोटी दुकान खोली, कैबिनेट बनाई, वहां पर आकर के अपना जो है काम शुरू किया और उसके बाद में अपनी मेहनत से, प्रशासन से, मेहनत से आज हमारा यह समुदाय आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूं कि आज जो इस उत्तर पश्चिम रेलवे ने यहाँ मोदी जी ने जो आज ये बार मोदी जी का एक श्लोक ये लिखा हुआ है ट्विटर पे, मैं कहता हूं पूरा इसमें ही पूरा वो दर्द भरा हुआ है, जो मोदी जी ने ये बताया है वो पूरा दर्द भरा हुआ है इस श्लोक में कि किस प्रकार से वहां पर त्रासदी होकर के और वहां से लोग कट करके जीते मरते यहां पर पहुंचे थे। और आज जो भी आपने यह कार्यक्रम रखा है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसी ने तो याद किया,
कि यह कैसे तलाश क्या हुई थी, किसी ने तो याद दिलाया सबको ये कहते हुए। तो इसका ये मैं कहता हूँ, वैसे समय बहुत हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, वैसे बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन एक बात है मैं इतना ही कहना कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भी ये आयोजित किया है और ऐसे याद करवाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।